हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जो एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन जो 30 जून को आउट हुआ है, इसका लास्ट डेट जो है ये 21 जुलाई तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना दिया है, तो आप यहां से देख सकते हैं इस वीडियो को जाकर कि हम किस तरीके से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन आज ये जो मेरा वीडियो है, ये सबसे बेस्ट जो वीडियो है, ये आपको जो है प्रिपरेशन के ऊपर है। जैसे कुछ नए कैंडिडेट्स जो है, ऐसे नए कैंडिडेट्स हैं, ओल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशन को बूट्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सितंबर मंथ में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और अभी जो है ये जुलाई चल रही है, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, तो ये आपको जुलाई अगस्त अगर देखेंगे तो मात्र 2 मंथ, अर्थात 2 मंथ आपके पास है। तो इस 2 मंथ के दरमियान आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आपको मॉक कहाँ से लगाना है, कितने मॉक लगाना है, अल्टरनेट मॉक लगाना है या प्रतिदिन लगाना है, कैसे लगाना है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो देखने के बाद कुछ भी अगर थोड़ा क्वेरीज रह जाए, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जो है आप अपना जो क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स जो क्या है, न्यू हैं, और जो कैंडिडेट्स ओल्ड हैं, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट्स में क्या है कि उसको जो है अभी सिलेबस पर अगर आप पूरा पकड़ बना लिए हैं, अगर आपका सिलेबस पूरा स्मूथली तरीके से कंप्लीट हो गया है, अप्रॉक्सीमेट अगर आपने 80% भी सिलेबस को कवर कर लिया है, तो आप बिल्कुल एक मॉक लगा सकते हैं अल्टरनेट। अर्थात आज एक मॉक देंगे, कल फिर नहीं देंगे, परसों एक मॉक देंगे। लेकिन जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, जो अपने सिलेबस 100% कंप्लीट कर चुके हैं और ये एक दो बार जो है एग्ज़ाम भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो वे अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमको किस तरीके से एनालाइज करना है और कब कब टेस्ट देना है। तो आपको टेस्ट देना है प्रतिदिन, एवरी डे। आपको सिर्फ मॉक ही मत देना है, आपको प्रीवियस पेपर के ऊपर भी कमांड करना है, ठीक है। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार जो है एमटीएस का पैटर्न में कुछ चेंजिंग लाया गया है। सेक्शन इसमें आपको 2 सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, एक सेक्शन में आपको मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसमें एबव स्कोर नहीं करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और इसके बाद जो है आपको जो है सेक्शन 2 में इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेंगे। इंग्लिश और रीजनिंग में जो है आपको अधिक से अधिक मार्क एक्योर करना है, ठीक है, क्योंकि आपको यहीं से मेरिट का डिसाइड होगा। तो आप जो है अगर न्यू कैंडिडेट है, तो अल्टरनेटिव मॉक 1 माह जरूर दीजिए और उसका एनालिसिस बहुत बेहतरीन तरीके से कीजिए। अगर आप जो है 1 घंटे के मॉक देते हैं, तो उसमें कम से कम आप जो है ऐसे 1 घंटे का मॉक होगा नहीं, होगा 45 मिनट, और 45 मिनट 90 मिनट का, अर्थात 1.5 घंटा का मॉक होगा। तो उस 1.5 घंटे के मॉक को आप जब एनालाइज करें, तो आप उसमें समय देकर एनालिसिस करें। ऐसा नहीं कि बहुत स्पीड में एनालिसिस कर लिए, देख लिए, उसका एक नोट बनाए, ठीक है। इसे मैथ्स का हुआ एक अलग नोट, रीजनिंग के लिए एक अलग नोट बनाए, क्योंकि आज का रीजनिंग में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी आप एक नोट बनाए। और इंग्लिश में जैसे आपके वर्ड्स हुए, फ्रेजल वर्ब हुए, OWS वन वर्ड हुआ, ये सब का जो है आप क्या करें, एक नोट बनाए। ग्रामेटिकल कुछ आप अगर एरर करते हैं, तो उसका एक नोट बनाए। इसी प्रकार से आपको टॉपिक वाइज क्या है, आपको जीके का भी सिलेबस को देखना है, कहाँ से आपको यहाँ से आइडिया लगेगा, मॉक देने से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चैप्टर पर आप ज़्यादा कमांड करें, ठीक है। इसमें करंट के भी कुछ टॉपिक रहेंगे, तो करंट आप बिल्कुल पढ़ें और रोज पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन नोट बनाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो ओल्ड कैंडिडेट हैं, वह प्रतिदिन रोज एक मॉक दे और एक प्रीवियस दे, एक मॉक दे एक प्रीवियस दे, इस तरीके से जो है अपना आप टेस्ट दे सकते हैं। आप टेस्ट कहाँ से हायर कर सकते हैं, तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से हायर कर सकते हैं। लेकिन अभी सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ये टेस्ट बुक का जो है, बहुत अच्छा इसका कम्बिनेशन रहता है, तो आप यहाँ से उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है। जब आप जो है कभी भी मॉक देते हैं, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करें। प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिला सकती है, प्रीवियस क्वेश्चन के जरिए ही आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि TCS का पैटर्न जब से आया है, तब से ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर देखें, जरूर समझें, और यहाँ से आप एक नोट
बिल्कुल तैयार करें हर पेपर का अलग अलग, जहां आपको गलती होती है उसको बार बार रिवीजन करें, सप्ताह में एक दिन रिवीजन का टाइम जरूर रखें, ठीक है। तो यही एक क्या होती है स्मूथी तरीके से आपका प्रिपेयर जो होती है, अगर आप एक माह ऐसे करते हैं तो फिर एक मंथ, और ये कभी भी टारगेट अगर आप लेते हैं तो सप्ताह भर का टारगेट लें। अगर सप्ताह भर का टारगेट आपको नहीं होता है तो पर डे, जैसे आज शाम में टारगेट बनाएंगे रात में सोने से पहले, तो वो कल टारगेट पूरा होना चाहिए, फिर कल बनाएंगे तो परसों टारगेट पूरा होना चाहिए। हर दिन का टारगेट लें, छोटा छोटा टारगेट लेकर आप जो है अपने जो है मंजिल को जो है अचीव कर सकते हैं। तो चलिए फिर ये था एक छोटा सा वीडियो, आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, सत श्री अकाल।